ग्राम जोनाखेड़ी की महिला ने चार पैर वाली बच्ची को जन्म दिया है। जन्मजात विकृति के चलते बच्ची को ऑपरेशन के लिए भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में रेफर किया है। सोमवार को मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश पस्तौर ने बताया कि ग्राम जोनाखेड़ी निवासी फुलसिंह प्रजापति की 25 वर्षीय पत्नी धनुषबाई ने चौथी बच्ची को जन्म दिया है, जिसके चार पैर हैं और बच्ची के शरीर में सोच का रास्ता भी नहीं आया है, जिसे 108 एम्बुलेंस से विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और यहां से बच्ची को भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए रेफर कर दिया गया है। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राजेश पस्तौर। सर, हॉस्पिटल में एक सीरियस डिलीवरी का केस सामने आया है, क्या है पूरा मामला? जी, एक जोनाखेड़ी की महिला थी जो कि कुरवाई तहसील में आता है, फिलहाल वो कुरवाई में रहती है। उसको बच्ची हुई है जिसके चार पैर हैं और लैटरिन का रास्ता नहीं है, जिसको चूँकि ये बहुत सीरियस और जन्मजात विकृति में आता है तो उसको तुरंत ही रेफर कर दिया गया। बच्ची को मेरी जानकारी के अनुसार विदिशा से एम्स भेजा गया है और उसके बाद अब वो एम्स वाले ही आगे बताएंगे कि उसका कब ऑपरेशन होगा और क्या उसमें और इलाज हो सकता है। सर, महिला का नाम क्या है? महिला का नाम धनुषबाई प्रजापति और पति फूल सिंह। हाँ। लगभग उसकी उम्र 25 साल है और इसकी ये चौथी डिलीवरी है और चौथी लड़की है, तो इसमें कुछ जन्मजात आगे भी बच्चों में जन्मजात विकृति के चांस बढ़ जाते हैं इस तरीके के केस में। जो बच्ची जन्मी है उसका वजन कितना होगा? वो वजन स्वास्थ्य के अनुसार काफ़ी अच्छा था, 3.700 ग्राम बोल सकते हैं, अच्छा खासा वजन, 3.5 किलो के ऊपर की बच्ची थी, तो बाकी जो विकृति है वो थोड़ी उसके लिए घातक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।